अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा विषय है बंदरों के आतंक से तीर्थ स्थलों में जो रहने वाले तीर्थ लोग हैं उनके लिए जो समस्या है। हम बंदर का नाम लेते ही सबको बड़ा मजाक लगता है, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है, इसके लिए मैं आज आपके सामने ये उठा रही हूँ। मेरा क्षेत्र मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में बंदरों की समस्या से बहुत ही परेशान है वहाँ के लोग। जहाँ पर वृंदावन जो बहुत घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बंदर लोग खुशी से रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन आज सिर्फ बिल्डिंग है और पेड़ तो बहुत ही कहने लायक भी नहीं है, इतने ही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के बंदर, भूखे बंदर जो हैं खाने की तलाश में घर घर जाकर आतंक मचाते हैं और वहाँ के लोग नागरिक जो हैं उसे मार मार कर भगा देते हैं, और तीर्थ यात्री जो हैं वो उनको फ्रूटी खिलाते हैं और समोसा कचौड़ी मथुरा का पेड़ा खिलाते हैं, जिसकी वजह से बंदर लोग बहुत ही बीमार हो चुके हैं और ये बीमारी इतने फैल गई है कि बहुत सारे बंदर बीमार हैं और वहाँ के लोगों के ऊपर भी ये बीमारी फैल रही है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो उन्होंने बहुत कोशिश करके संख्या को कम करने के लिए बंदरों के स्टरलाइजेशन भी किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत वायलेंट हो गए हैं और ये लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, और ऐसा हुआ कि कई लोग मर भी चुके हैं वृंदावन में। ये सच है। मेरा मानना है कि जितना हम लोगों को इस धरती पर रहने का हक है, उतना ही जानवरों का भी रहने का पूरा हक है। इसके लिए एक समाधान होना चाहिए कि मैं वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग एक मंकी सफारी जैसा बनाकर बंदरों को एक जगह में रखेंगे तो नागरिक और बंदर दोनों का समस्या कम हो सकता है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से बहुत ही विनती करती हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें और इसके समस्या जरूर करें, इसे मजाक न समझे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये समस्या है और सर ये गंभीर समस्या है सर, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है सर, वन खत्म हो रहे हैं, हम लोग रोज देखते हैं सर किस तरीके से। बंदर तो खैर एक इशू है ही, और ये तो सर हम लोग के एरिया में ये जो तथाकथित ल्यूटेंट जोन है सर, घरों के अंदर सर ऐसे घर जहाँ पे परिवार बच्चे रहते हैं सर, घर तो है गार्डन भी है पर गार्डन में बच्चे बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि बंदरों का आतंक इतना है, और वो बंदर सही में सर काटते हैं, परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। यहाँ सर ल्यूटेंट जोन में आप देखेंगे बोर्ड तक लगा दिए गए हैं कि बंदरों से सावधान रहें सर, पर ये गंभीर चिंता, मैं चाहूंगा कि मिनिस्ट्री इस पे ध्यान दे सर। डिफॉरेस्टेशन जैसे हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं इसीलिए वो हमारे घरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो सर जरूरी है कि हम उनके घरों को सुरक्षित रखें ताकि वो अपने घर में सुरक्षा से रहे, हम अपने घर में सुरक्षा से रहे। सर दिल्ली में भी ये बड़ा विषय, मैं धन्यवाद करूंगा कि मैम आपने